वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो कैट्स के ऊपर है, और इसके पहले हमारे चैनल पे आपने माविया की कैटरी देखी थी, मगर अब से आप एक्जॉटिक बर्ड्स की भी कैटरी देखेंगे। डेली हम वीडियो डालेंगे, बर्ड्स की भी डालेंगे, पिजन्स की भी डालेंगे, क्योंकि हमें सब चीज़ का शौक है, तो हर चीज़ हमने रखी है तो उसकी वीडियो हम डालेंगे। और फाइनली मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि एक कैटरी स्टार्ट करूँगा, मगर कम नॉलेज होने के कारण बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दो कैट्स ली, फिर उसके बारे में थोड़ा स्टडी करी, उनका बिहेवियर चेक किया, क्या खिलाना क्या पिलाना, कई सारे चीज़ें मैंने उसमें देखी, फिर जाके मैंने एक फाइनली डिसाइड किया कि एक कैटरी हम स्टार्ट करेंगे। तो इस कैटरी का नाम हमने एग्जॉटिक कैटरी रखा है। खैर मैं सच्ची यहाँ पर बोलूँगा कि एग्जॉटिक कैट्स अभी हमारे पास फिलहाल है नहीं, मगर कैटरी का नाम एग्जॉटिक कैटरी हमने रख दिया है। मगर इंशाल्लाह जल्द ही मीन्स और भी कैट्स आएगी, एग्जॉटिक में भी हम काम करेंगे, मगर धीरे धीरे करेंगे, एकदम से इतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि कैसी कैट्स का बिहेवियर और उसको रखना कैसे, क्योंकि जब जो ज़्यादा कॉस्टली और जो हैवी म्यूटेशन रहती है उनमें केयरिंग का बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो सब चीज़ें सीखना, तो हमने अभी फिलहाल यहाँ पर डिसाइड किया। और ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई यहाँ पर हम इस कैट्स को, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई न्यू कैट्स आती है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, ये हमारा डबल कोट का मेल है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा शैतान भी है, मेल है ये हेज़ल आइज में, तो ये है। और यहाँ पर मैं आप सबको पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास न्यू कैट्स आती है तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको सबसे पहले इनका जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को सबसे पहले ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ आती है कि भाई कैट्स को खिलाना क्या है। अब देखिए मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट है, तो उनमें से आप कुछ भी खिला सकते हो, मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं दो ही प्रोडक्ट खिलाता हूँ, विस्कस और प्योर पैड्स है। विस्कस का मैं उसमें 80% डालता हूँ और प्योर पैड्स का 20%, मीन्स दोनों को मिक्स करके खिलाता हूँ। विस्कस की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, प्योर पैड्स की कम रहती है। स्टार्टिंग में तो मैं सच बोलूँगा कि स्टार्टिंग में मुझे विस्कस यहाँ पर नहीं मिल रहा था खंडवा में, तो मुझे प्योर पैड से ही काम चलाना पड़ा, एक आध हफ्ता करा, फिर भी कैसे भी अरेंज करके विस्कस लाया, फिर 80% विस्कस ले रहा हूँ, 20% मैं वो प्योर पैड्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कई सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि भाई कैट्स को रखना है तो उनका दाना कैसे रखना चाहिए, क्या उनको दिन में 3 बार देना चाहिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उनका जो बाउल आता है ये तरह का, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये बाउल देखिए, ये बाउल है और इस तरह का बाउल मैंने, अब हमारे पास कैट थोड़ी ज़्यादा है तो हमको 3 बाउल लगते, क्या कम रहती तो फिर ज़्यादा नहीं लगते, मगर आपके पास अगर 1 या 2 है तो फिर ये 3 बाउल आपको यहाँ पर ऐसे रखने हैं। और इसमें क्या करना है ना, हमेशा 24 आवर दाना पड़ा रहना चाहिए, अगर ये खाली होता है तो आप इसको भर के वापस रख दें। तो यहाँ पर ये चीज़ें ये ख्याल रखें, इसे हमेशा भर के रखना चाहिए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें तो बड़ी आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं नॉनवेज देना चाहिए, नॉनवेज से ठीक है देना चाहिए, मगर जब मैं फ़िलहाल अभी बताऊँ, मैं किटन्स पे ही काम कर रहा हूँ, किटन्स के अलावा मैं एडल्ट पे अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एडल्ट का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है। मैंने किटन से ही स्टार्ट किया, अभी मेरी खुद की पर्सनल जो कैट्स है वो अराउंड 8 से 9 मंथ की हो गई है, तो मैंने स्टार्टिंग में किटन से काम किया, इसलिए मैं बड़ी कैट्स ले भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले जब तक नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ का तो मैं नहीं ले पाऊँगा, तो मैं किटन्स पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर किटन्स को कुछ लोग बोलते हैं नॉनवेज देना चाहिए, अच्छी बात है नॉनवेज उसको देना चाहिए, मगर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉनवेज मीन्स नहीं खाते, प्योर वेज रहते तो उनके लिए बड़ी कई बार दिक्कत हो जाती है, जब कैट्स आप कहीं से भी ले रहे हो तो वो बंदा उसको नॉनवेज दे रहा हो और आप प्योर वेजिटेरियन हो, तो कैट्स का वहाँ पर मीन्स उसको नॉनवेज चाहिए रहता है, तो आप वो ना देके अगर आप एकदम प्योर है तो ये इस टाइप की क्या बोलते हैं, इस टाइप का ग्रेवी आती है, ये 30 या 25 रुपए की मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो वो लाइए, दिन में एक वीक में उसको 3 बार ये अब ग्रेवी खिला सकते हैं। अगर आप चाहो तो, अगर आपके घर पे नॉनवेज नहीं बन रहा है तो आप ग्रेवी खिलाइए, वीक में आप 2 या 3 बार इसको खिला सकते हैं,
और ग्रेवी का ऐसा रहता है ना कि एक बार में आपको पूरी खत्म करनी है, उसको स्टोर करके ना रखें, वो खराब होने के चांसेस उसके बहुत ही मीन्स ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का याद रखिए। और दूसरी चीज़ है पानी। पानी देखिए, मैं खुद पर्सनली अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जैसे कि मैं बर्ड्स में जो अप्लाई करता हूँ एकोनाइट, चाइना घ्यू, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है, तो मैं कैट्स में भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने अभी डाला नहीं है, तो आपको दिखा दूँ कि पहले ठंड में मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, चाइना घ्यू करके ये मेडिसिन है। और यहाँ पर दिखा ये फिलहाल, तो ये आपको मैं लाइव ही दिखा देता हूँ कि मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। इतने से बाउल में आपको 4 से 5 ड्रॉप सिर्फ डालने, इससे ज़्यादा नहीं आप डालोगे तो अच्छा होगा, सिर्फ 4 या 5, 1, 3, 4 और ये 5। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, चाइना की बहुत ही बेस्ट है। इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि मुझे किस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो मिला है, तो आप ये याद रखिए। और हमने कुछ कैटरीज के लिए बनाया नहीं है, ये मेरा पर्सनल रूम है, इसमें ही मैंने सब कुछ कैट छोड़ के रखी है, अब ये कैट रूम बन गया। इधर बता थोड़ा, इधर लो, तो आप ये देख सकते हैं सारी कैट्स है, जो मैक्सिमम मैं आपको एक एक करके भी सारी कैट्स बताऊंगा इंशाल्लाह, मगर अभी फिलहाल मैं सब पहले कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहती है, तो याद रखिए कैट्स आप कोई सी भी लो, या वो स्ट्रीट कैट्स हो या वो पर्शियंस हो, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पंच हो, सेमी पंच हो या पंच हो, कोई सी भी हो, तो उसे सोने के लिए गद्दा या मखमल का गद्दा जो आता है वो यूज़ करिए जब वो आराम करती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि उन सब कैट्स को वो सब चीज़ें करना चाहिए। और मैंने केज का यूज़ नहीं किया है, केज मेरे कई सारे लोग मुझे हमारी माविया के इसमें भी करे थे, हमने उसमें भी बताया था कि हम केज का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ जब नई कैट्स आती है तो वो कैट्स को हमारी जो ऑलरेडी घर पे कैट्स पड़ी है, तो उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए उस कैट्स और जो नई कैट्स आई है उसको हम कुछ देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए उस केज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम से लड़े नहीं, जब नई कैट्स आती है उसका बिहेवियर आपको पता नहीं होता है, वो एकदम से लड़े नहीं, एकदम बराबर है, तो एक बार अगर वो दोस्त बन गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर उसको हम केज से निकाल के ऐसा ही हम खुला छोड़ देते हैं। और सबसे यहाँ पर ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सबसे मेन है, जो लोग कैट्स तो पाल लेते हैं, बहुत क्यूट है, हर किसी को पसंद रहती है, मगर सबसे जो लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं उसके लीटर से, लीटर बोले तो वो टॉयलेट बाथरूम कहाँ करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जितनी भी किटन्स है, अगर वो कोई मुझसे लेता है तो मैं सब पूरा लीटर ट्रेन करके ही देता हूँ, कोई भी ले, और माविया भी ऐसे ही करता है। तो यहाँ पर हमारा लीटर ट्रेन है, कोई हमने इनको बाहर लेके ले आके नहीं रखा, छोटे से बड़े कैट से लेके जो भी मीन 3 या 4 माह, इससे बड़ी कैट्स हमारे पास है नहीं। जो सबसे छोटा हमारे पास है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है सबसे छोटा, ये जब मैंने जिससे लिया था वो तो मुझे बोल रहा था कि 2 महीने के अराउंड है, मगर अभी मुझे ये पर्सनली लगता है 50 से 55 दिन का है। ये ब्लू आइज में, ट्रिपल कोट में, ये हाँ मेल है ब्लू आइज में, ये ऑलरेडी किसी, ये ऑलरेडी मेल्स जा चुका है, तो ये माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। और ये इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने इसको लिया था तो ये मदर का फीड ले रहा था, तो मैंने जब इसको लाया तो ये फिर भी दूध मांग रहा था। तो अगर आपको ऐसा कैट किटन लेते हो जो अभी माँ से जिस अभी अभी निकला हो और उसको दूध पीने की आदत है, तो आप उसको दूध दीजिए, कुनकुना दूध देना है आपको, एक चाय का जो कप आता है इतना छोटा, इतना चाय का कप पिंच से, उसमें इतना चाय का कप रहा, तो उसमें आपको इतना सा दूध लेना है, ज़्यादा नहीं। मेन्स मैं इसको 2 टाइम दूध पिला रहा हूँ, और ये 10 ml, ये 10 ml का इंजेक्शन है जो मार्केट में 5-10 रुपये में आपको मिल जाता है। इसमें 5 ml मैं दूध ले रहा हूँ और 5 ml पानी, और तो पानी जितना उतना ही जितना दूध, 50-50, तो पेट को प्रॉब्लम नहीं होती है कैट्स के, क्योंकि एकदम से फिर आप प्योर उसको दूध पिलाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्यूट से। तो ये है, 50% पानी लीजिए, 50% दूध दीजिए, देन फिर उसको आप इसको पिलाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से पिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो कमेंट करके बोलते हैं कि छोटी किटन में इसका फेस येलो क्यों है, ये दूध के कारण होता है, माँ के दूध का ये बहुत टाइम से बीते हैं, 1.5 महीना कम से कम माँ के साथ रखना चाहिए, तो ये जो येलो येलोइश आता है ये दूध के कारण आता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए, फ्यूचर में अगर कोई भी किटन आपको दिखता है तो वो अभी अभी माँ के दूध से
छुटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जब ये भाई मेरा रूम है, तो यहाँ पर जब मैं सोता हूँ तो कैट्स भी मेरे साथ सोती है। ये आप देख सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे वो वीडियो दिख भी रही होगी, एक शॉर्ट क्लिप मैंने लिया है। मैं कुछ भी करता हूँ तो ये मेरे साथ रहती है। और बस इस रूम से मैं बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि मेरी जो पर्सनल कैट्स है जो बाहर है, वो कैट्स उनसे डरती है। छोटे बच्चे हैं ये, फिर भी मेरी बड़ी कैट्स इनसे डर रही है, तो मेरे को उससे अलग रखना पड़ता है। ये रूम में ही ये सारी कैट्स रहती है मोस्टली। और मैं आपको अब बताऊंगा कि एक एक करके सारी जितनी मेरे पास कैट्स है। ये है, ये ट्रिपल कोट में माशाल्लाह बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हो। मेल है, मगर ये खुद भी दूध पी रहा है। अभी मैं इसको जो नीडल आपको बताया था, मैं उससे इसको नहीं पिला रहा हूँ। ये दाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, खुद सेल्फ है मतलब ये है। और ये जो है डबल कोट में फीमेल है, ये माशाल्लाह 3 महीने के आसपास की हो गई होगी। और सबसे शैतान ये है, ये एक इसको एक नया घर मिल गया है माशाल्लाह, ये यहाँ पर अभी जाने वाला है। तो ये मेल है और ये सबसे शरारती है और बहुत ही क्यूट है। मेरा को उसको देने का मन तो नहीं कर रहा है, मगर अब फाइनली आज ये कहीं और जाएगा, मेरे पास 3-4 दिन से पड़ा है। तो ये बहुत ही नटखट है और मेन से रहता नहीं है एक जगह। और दूसरी जो है ये है, ये फीमेल है, ये आपने पहले वीडियो में भी देखी होगी, एक बंदे के पास जाने वाली है, मगर अभी तक उसकी डिलीवरी हुई नहीं है। पूरी प्रोसेस है जो हमारी रहती है, वो अभी फिलहाल हुई नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये ट्रिपल कोट में सेमी पंच है, डॉल मैं नहीं बोलूँगा, मगर ये मुझे सेमी पंच लगता है, मगर मैंने इसको डॉल के रेट में दे दिया। तो ये है और ये है हमारा मेल। ओहो, ये ट्रिपल कोट में मेल है। याद रखिए, किटन्स में भी होता है ना, मेल का साइज हमेशा फीमेल से बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये मेल है बाय कलर में, अपना ट्रिपल कोट है, माशाल्लाह क्वालिटी आप देख सकते हैं। सिर्फ 3 महीने का है, ये सिर्फ 3 महीने का, क्वालिटी देखिए। और ये है फेस इसका, और ये है, और ये एक हमारी प्यारी सी फीमेल है, ये यहाँ पर राज करती है। ये फीमेल है, ये भी जाने वाली है, एक प्यारा सा घर इसे भी मिल गया है। ये फीमेल है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पर राज करती है, इस रूम में इसका राज चलता है। जिस जगह पे ये बैठती है वहाँ पर एक दूसरी कैट इसके पास जा नहीं सकती। इसका एक साथ का मेल था, मगर वो चले गया है, तो वो उसी को एक्सेप्ट करती थी, बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये जहाँ पर भी बैठे तो उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कैट्स जो है ना, कैट्स जैसे कि मेरे एक दोस्त ने बोला था कि कैट्स आपके घर पे राज करती है। अगर आप नई कैट्स ला रहे हो, जब तक वो घर का कोना कोना ना देख ले, वो भाई चैन से नहीं बैठेगी। जब उसको पूरा घर का कोना कोना पता चल गया और वो एक जगह अपनी जगह बनाएगी और वहाँ पर ही सोएगी, खाएगी पिएगी, जहाँ पर भी उसका लीटर रखा हो खाएगी पिएगी वहीं रहेगी। मगर अगर आप उसे ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक रूम में बंद करके रखोगे, तो वो मुझे पॉसिबल नहीं है, वो बड़ा इरिटेशन हो जाएगी। और पूरा घर में उसको घूमना है, जब तक वो पूरा घर का कोना कोना नहीं घूमती हो, जब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। और दूसरी जो है हमारी ट्रिपल कोट की फीमेल है, ये डॉल फेस में है, बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह। और ये भी अराउंड 2.5 महीने के आसपास की है। और एक और है, इसकी बहन है सेम, ये देख सकते हैं, ये सेम है माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट है। और भी थे नीचे भी, थोड़े पलंग के नीचे भी बैठे हैं, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ नहीं होगा। तो ये है, तो भाई अभी और भी है, नीचे निकालना पड़ेगा। ये फीमेल है बेचारी। और एक चीज़ कॉमन चीज़ रहती है जो कि है उनका, उनकी आंखों के पास, कुछ लोग बोलते हैं आंखों के पास बहुत ज़्यादा गंदा हो गया या कुछ बीमारी तो नहीं है, उनके कानों में बहुत गंदी हो गई तो कुछ बीमारी तो नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, उनकी आंखें और उनके कान आपको डेली बेस पे साफ़ करने हैं। डेली बेस पे देखिए क्या रहता है ना, इसमें जो डॉल फेस रहती है उसको कम होता है, सेमी पंच को थोड़ा ज़्यादा होता है, पंच को थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो एक्सट्रीम पंच आती है उसको बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स उनकी केयर आपको बहुत करनी पड़ती है। जैसे कि मेरी कुछ कैट्स के पास है नहीं, मैंने एक्चुअल में सबके में साफ करते रहता हूँ, तो शायद मुझे दिखे नहीं, इसमें थोड़ा सा दिख जाए। ये देखिए, इसके आंखों के पास जो दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक आता है, इनके आंसू से वो गंदा हो जाता है। वो मेरे पास की कि मैं सबके साफ करते रहता हूँ, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा किसकी है। ये इसके थोड़े से है, ये देखिए बहुत ही कम है, इसके मैंने कल ही साफ किए थे। इसकी आंख के पास, उसकी नोज के पास आ जाते हैं। तो आपको इसको
कॉटन को गीला करना है, देन उससे आपको फिर उसको साफ करना है। तो याद रखिए कॉटन से गीला करके इसको आप साफ करिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और कान का जो है इनका इनका जो कान का है, कान को बर्ड से साफ करिए वरना एयर माइट्स होने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। और हो सके जहाँ भी आप कैट्स रख रहे हो, पूरे घर में रख रहे हो या उसका कैट्स का आपने रूम बना के रखा है, तो उसको जितना हो सके क्लीन करें। बहुत ज़्यादा क्लीन होना ज़रूरी है। अगर वो गीला रहा और लीटर लीटर का ऐसा लीटर भी आपको साफ रखना है, गीला गंदगी नहीं होनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, भले वो ठंडी हो गर्मी हो, कैट्स आपकी गीली नहीं होनी चाहिए वरना उसको जो होता है वो गिढ़ान बन जाती है। जब ये ट्रिपल कोट है, जैसे ये ट्रिपल कोट है, ये ट्रिपल कोट है, अगर ये गीली होगी ना तो इसको गिठान बन जाएगी। इसको भी थोड़ी बहुत अभी बन गई है, इसने पानी में पूरा मुंह अपना डुबा लिया था, इसके कारण उसको थोड़ी बहुत गिठान। ज़्यादातर ये ट्रिपल कोट में होता है, डबल कोट में भी होता है मगर इतना नहीं होता, मगर ट्रिपल कोट में बहुत ज़्यादा होता है, गिठाने बन जाती है। मगर ये कोई मसला नहीं, आपको उसको कैंची से बराबर बाल जैसे आप अपने काटते हैं वैसा आप काट दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, बहुत ही सही चीज़ें। और लीटर का ऐसा है, आप बालू रेत जो घर में बना घर जो बनता है उसमें येलो कलर की जो रेत आती है वो आप रखिए, वो आप रख सकते हैं। और उसको अगर वो गीला हो गया तो उसे फेंक दीजिए, दूसरा फिर आपको पड़ना। या आप अमेजोन से उनका जो लीटर का आता है, वो बैग आता है 10 किलो का 3 किलो का 5 किलो का, वो अभी आप ले सकते हो। उसमें ये एक एडवांटेज है कि उसमें बदबू नहीं आती है, उसमें हल्की सी एक स्मेल आती है, मीन्स आपको बदबू नहीं आएगी, ये उसका एक एडवांटेज है। तो उसको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, फ्यूचर में हम भी उसमें इंशाल्लाह डील करेंगे मगर अभी तो नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। और भाई ये है हमारी कैट्स, फाइनली एग्जॉटिक बर्ड्स ने कर ली। और भी मेरी कई सारी कैट्स अभी आने वाली है जो मैंने ऑलरेडी बुक करके रखी है, मगर धीरे धीरे आएगी क्योंकि बहुत दूर दूर से अलग अलग जगह से आ रही है, तो धीरे धीरे मैं बुला रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी कैट्स से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो भाई वीडियो को फिलहाल यही ख़त्म करते, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अभी के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कैट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है एग्जॉटिक बर्ड्स के टीम का, मैं उठाऊंगा या कोई और उठाएगा, हो सकता है मेरा कोई मेंबर उठा ले, तो आपकी वो मदद करेगा कैट्स को कुछ भी प्रॉब्लम हुई। एक और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कैट्स के इंटरनल जो बॉडी का जो पार्ट रहता है, अगर उसमें इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई वो आप प्लीज़ डॉक्टर को बताएं, वो हम एक्सपर्ट नहीं है। इंटरनली बाहर कुछ होता है, उसका फंगल इन्फेक्शन हुआ, चोट लग गई, या किसी और कैट ने उसको बाइट कर लिया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये उसके कान में प्रॉब्लम है, उसकी नाक में, उसकी आँख में, बाहर का जितना भी है हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, मगर इंटरनल प्रॉब्लम हुआ तो भाई वो डॉक्टर के पास जाइए, आप हमसे फिर कांटेक्ट ना करें। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप करिए कॉल, अगर कॉल नहीं उठाता तो आप मैसेज कर दीजिए रिप्लाई, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आप इंशाल्लाह हमारी टीम का कोई भी मेंबर वो आपको करेगा हेल्प। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कई सारे लोग पैसे भी लेते हैं, 400-500 रुपये बोलते हैं पहले पे करो, देन फिर आपको उसका जो भी है इलाज बताया जाएगा, मगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई भी हमारा मेरे टीम का मेंबर भी अगर इन केस पैसे मांगता है तो प्लीज़ पैसे ना दे भाई, पैसे नहीं देना है आपको, पैसे देना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ये बंदा हमसे पैसे मांग रहा है तो मैं उसे निकाल दूंगा अगर ऐसा रहा तो वैसा ना करें। एंड बिना फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्विस है। एंड वीडियो को फिलहाल यही खत्म करेंगे, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अभी के लिए थैंक यू सो मच।